बोकारो एयरपोर्ट से जल्द ही विमान सेवा की होगी शुरुआत। एलायंस एयर और फ्लाई विक को उड़ान की मिली अनुमति। झारखंड में बोकारो और दुमका में भी जल्द ही विमान सेवा की शुरुआत होगी। इस सिलसिले में दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी की विशेष टीम ने बुधवार को बोकारो एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद बोकारो इस्पात संयंत्र के पदाधिकारियों के साथ एयरपोर्ट परिसर में ही एक अहम बैठक आयोजित की गई। बताया जाता है कि बोकारो स्टील को DGCA के लाइसेंस के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। वहीं राज्य सरकार को एम्बुलेंस सुरक्षा सहित अन्य सुविधाएं मुहैया करानी है। उड़ान भरने के लिए DGCA से लाइसेंस आवश्यक। रांची एयरपोर्ट के डायरेक्टर KL अग्रवाल ने बताया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से किए जाने वाले कार्य लगभग 99.99% पूरा कर लिया गया है। यहां से उड़ान सेवा के लिए दो कंपनियों को अनुमति भी दे दी गई है, जिसमें एलायंस एयर और फ्लाई विक शामिल है। लेकिन उड़ान भरने के लिए DGCA से लाइसेंस प्राप्त करना सबसे आवश्यक है। बोकारो के अलावा दुमका से भी शुरू होगी उड़ान। एयरपोर्ट के डायरेक्टर KL अग्रवाल ने बताया कि 2023 में बोकारो और दुमका से उड़ान शुरू हो जाएगी। बोकारो एयरपोर्ट पर आए हैं, यहाँ से हमारी दिल्ली की टीम, कलकत्ता टीम और हम लोग रांची से आए हैं और हम लोगों ने अभी पूरा बोकारो में पूरा एयरपोर्ट का विजिट किया हुआ है। लगभग यहाँ पर लगभग 99.99% सारा काम पूरा हो गए हैं। जस्ट जो हमारे DGCA की लाइसेंसिंग की प्रक्रिया है वो वे फॉर्मेलिटी में है। हम लोग कोशिश करेंगे कि जो जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इशूज हैं उनको हम टाउन बॉन्ड में कंप्लीट करें और कोशिश करें कि बोकारो को DGCA से जल्दी जल्दी लाइसेंस मिल जाए और यहाँ से एयरक्राफ्ट का प्रचालन चालू हो सके। और राज्य बोकारो से यहाँ पर ऑलरेडी एक एयरलाइंस को यहाँ से ऑपरेशन के लिए परमिशन मिनिस्ट्री द्वारा दे दी गई है। ये आई विल चेकअप, आई थिंक इंडिया बने, आई थिंक आई विल चेकअप दैट, यस सर। हम चाहेंगे नॉट ओनली बोकारो, हमारी कोशिश करेंगे कि हम दुमका भी इसी साल चालू कर दें। तो हम लोग कल दोबारा से हम लोग दुमका जाएंगे, वहाँ पे भी सेम हम लोग डिस्कस करेंगे क्या इशू है क्या इशू नहीं है। इसके अलावा परसों यहाँ पर अगेन एक टीम आ रही है, हमारे रीजनल हेडक्वार्टर कलकत्ता से टीम आ रही है। वे आज की तारीख में मिनिस्ट्री ने दिया हुआ है कि इन दोनों एयरपोर्टों को इस साल 2023 में क्या इसको बहुत जल्दी से जल्दी हमको इसको चालू करना है। इस साल उनको 35 एयरपोर्ट RCS एयरपोर्ट इस साल ऑल इंडिया में चालू करने हैं। इसमें झारखंड के 2 एयरपोर्ट हमारे बोकारो एंड दुमका शामिल है। लोग डिस्कस करके क्या क्या इशूज आ रहे हैं, हम लोग DGCA के पोर्टल पर सेल को रिक्वेस्ट करेंगे कि सेल DGCA के पोर्टल पर अप्लाई करें लाइसेंस के लिए और प्लस BCS को अप्लाई करें सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए। हम भी उम्मीद करेंगे कि हमको जल्दी इसमें क्लियरेंस मिल जाएगा और 2023 में हम लोग बोकारो से और दुमका से फ्लाइट ऑपरेट कर पाएंगे। अगर आपको हमारा न्यूज़ पसंद आया हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें।